बट कोई जब ये कहता ना आज तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो इसका मतलब होता है कि जो लिबास आपने लबासकी है ये सारी चीज़ें आपकी अपनी बट आपने मॉडल से इंस्पायर नहीं होना कि ये ये ट्रेंड चल रहा है तो मैंने की होगा शॉर्ट शर्ट्स का फैशन बट इन प्रोफेशनल इन्वायरमेंट नॉट अलाउड आपकी शख्सियत बहुत अहम है और आपने इसको खुद अहम बनाना है ठीक है अच्छा देखे ना ये कितनी अच्छी बात है इन अप्रोप्रियट ड्रेसिंग में सिचुएशनल ड्रेसिंग की कितनी अहमियत है इंसान इन्वायरमेंट के हिसाब से उसको कपड़े दिए जाते हैं ना तो मैंने जो आज प्रेजेंटेशन बनाई है ना ये बड़ी सारी चीज़ों का मजमु है हाइजीन की बात करें तो हाइजीन कहाँ से निकलती है वो जाकर पहुँचती तो फिर आपकी वॉर्ड्रॉप पे ही है आपकी हाइजीन नज़र आती है आपके शूज़ से आपके कपड़ों से आपके बालों से आपके खुशबू से जनाब खुशबू की बड़ी अहमियत है बाय द वे बाय द वे सबसे पहले आप लोगों को मुझे मुबारक देनी चाहिए थी रबल का महीना है कितना पाक महीना है मुझे बस एक टाइम याद आ रहा है एक दफ़ा हमने रबल के महीने में यहाँ पर सेशन किया था और उस दिन हमारा स्पेशल टॉपिक था खुशबू यकीन जाने हमने वो स्पेसिफ़िक उसी लिए रखा था कि हम जो है ना ये खुशबू का रेब्यू लेवल में सेशन करेंगे सो so, खुशबू की बड़ी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में गर्मियाँ आती हैं सर्दियाँ आती हैं कुछ लोग हर चीज़ में बहुत ज़्यादा लेवरेज ले जाते हैं सर्दियाँ आएँ है, कल नहा लूँगी सर्दियाँ आएँ परसों नहा लूँगी ओहो अभी कल नहाई थी अब परसों नहा लूँगी आपको ये पता नहीं होता कि उससे आपकी हाइजीन में कितना फ़र्क आ रहा होता है आपके अंदर तो फ़र्क़ आ रहा होता है आपके साथ चलने फिरने वालों को वो चीज़ बज़ाह नजर आ रही होती है जब आपने एक पुराना सूट पहना होता है जो धोया नहीं होता जब आप नहाए नहीं होते इतने दिन से जब आपने कोई फ्रेग्रेंस नहीं अप्लाई की होती उससे जो आपका पसीना जो स्वेटिंग एक नेचुरल चीज़ है भाई सबको पसीना आता है हर चीज़ नेचुरल है हमारी पूरी बॉडी एक नेचुरल चीज़ है लेकिन हम उसको इजहार करके तो नहीं पहते हम उसको खोल खोल के जिसम को तो नहीं दिखाएंगे कि ये मेरा जिसम है और ये नेचुरल चीज़ है खुदा का वास्ता है उसकी सतर अलामिया ने हमें दी हम पहनते हैं लबास हम अपने जिसम का मुजाहरा तो नहीं ना करते और जो कर रहे होते हैं उनके लिए हमारे जहन में कितने सारे परसेप्शंस आ जाते हैं जो नेगेटिव होते हैं सो so, ये चीज़ है अब आपकी जो ये स्वेटिंग का इशू है ये इट्स इट्स अ बिग इशू तो इट्स इट डजेंट मीन दैट कि अगर ये नेचुरल है तो अब ये आ रही है तो खैर है उसको ख़त्म तो करना है ना वो तो हाइजीन से रिलेट करती है तो इतने मसाइल दरपेश आ रहे थे अभी कॉन्सटेंटली ये मेरा टीचर्स के साथ ही सेशन चल रहा है तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज़ में और अलहमदल अब आप लोगों के साथ चल रहा है तो एक छोटी सी काविश है इस प्रजेंटेशन की सूरत में आगे लेके चलूंगी आपने उसका हर पॉइंट नोट करना है उम्मीद करती हूँ आज इतने अच्छे मोटिवेट होके जाएंगे कि आप लोग क्या आप लोगों के साथ काम करने वाले कोलीग्स को भी आप ये जरूर बताएंगे कि ये ये हैं जिंदगी में हाइजीन और ग्रूमिंग के इसके ऊपर फोकस करना है कामयाब बनना है तो पढ़ाई तालीम फील्ड इज नॉट एवरी जब तक आप वेल ग्रूम्ड नहीं ना है वो कहते हैं ना पढ़े लिखे हैं तो फिर पढ़े लिखे लगना चाहिए कैसे लगेंगे इन चीज़ों से लगेंगे आइए जनाब आगे बढ़ते हैं पर्सनल ग्रूमिंग एंड हाइजीन ये आप सबको पता है कि मैं अमेजन वॉर्डर कंसल्टेंट हूँ और मेरा नाम समन असद है सो so, इसमें कोई वजाहत मेरा ख्याल है हम पहले भी कई बार सेशन साथ कर चुके हैं किस किस का पहला सेशन है आज ओ oh, वेलकम जनाब वेलकम वेलकम काफ़ी बच्चों का जो है आज ये आप सब टीचर्स हैं आजकल तो पता ही नहीं चलता कौन स्टूडेंट है और कौन टीचर है यंग टीचर्स माशाल्लाह एनीवेज आगे बढ़ते हैं हमारे यहाँ जी रोल ऑफ पर्सनालिटी ग्रूमिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन इसके ऊपर बात करनी है पर्सनालिटी ग्रूमिंग जनाब ग्रूमिंग का अंदाज़ा कौन लगाता है जो लोग रोज़ साथ मिल रहे होते हैं वो तो लगाते ही लगाते हैं लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन का कितना इम्पोर्टेंस है कितना अहम रोल है आपका इसका रोल किस तरह से है वो मैं अब आपको बताती हूँ देखो इसको नेगेटिव नहीं लेना आप मुझे जज कर रहे होंगे इस वक्त मैं आपको जज कर रही हूँ मैं लेक्चर दे रही हूँ वॉर्ड्रॉप के ऊपर अगर मैं मैसी उठ कर आऊँगी ना तो आप लोगों के दिल में सवाल आएगा लेक्चर दे रही है खुद को तो देख ले लबास की बात कर रही है बालों की बात कर रही है शूज की बात कर रही है खुद को तो देख ले राइट ऐसे होता है ना लेकिन ये इंसान के अंदर के परसेप्शन होते हैं जो देखते साथ किसी के बारे में बिल्ड हो जाते हैं दिमाग के अंदर सारी माइंड गेम है जनाब इस माइंड गेम को देखें पर्सनैलिटी जजमेंट हो रही होती है और ये बेसिस पे हो रही होती है किसके वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन से सब आचना है लाइट uh, मेरा ख्याल है कि हाँ उन्होंने ऑफ की थी अच्छा वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में सबको पता है माशाल्लाह आप टीचर्स हैं पढ़ते पढ़ाते हैं वर्बल तो आपको पता है हम बोलते कैसे ठीक है ये हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है लेकिन बोलने के अलावा और बड़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बाद पता चलता है कि आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो आपका लबास है वो आपकी शख्सियत है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी है क्या कहते हैं पर्सनालिटी जो आपकी होती है शख्सियत जो है वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है राइट आपने जब अपनी अपने बारे में किसी को बताना होता ना तो आप उस बड़े सूटेड बूटेड होके जाते हैं आपने जब भी कभी जाना होता है ना कहीं पे भी आपका आपकी कोशिश होती है कि आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ड्रेसअप होकर जाएं और आपने फर्स्ट इंप्रेशन देना होता है ये आपके माइंड के पीछे कहीं पड़ा होता है कि आपने बहुत इम्प्रेस करके आना है ड्रेस फॉर सक्सेस है ये राइट ड्रेस टू इम्प्रेस है ये आपने जहाँ जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इंटरव्यू के लिए जाना है फॉर एग्जाम्पल आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है बच्चों के पेरेंट्स ने आना है तो फिर आप उस दिन बड़े वेड्रेस होकर जाते हैं राइट ये सारी चीज़ें आपके अपने जहन में चल रही होती तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं जनाब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन सी चीज़ें हैं वो प्रॉपर मैं बताऊंगी आपके पेरेंट्स का तो मैंने आपको बताया है इसके अलावा आपको पता है हाइजीन लेवल आपने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं लेकिन एक सूट मैं आपको बताऊं मेरी ऐसे-ऐसे खुवातन के साथ मुलाकात रही है मैंने एक माँ को अपनी बेटी को ये लेसन देते हुए सुना है कि रोज़ कपड़े धोती हो।, हो कितनी गलत बात है एक दफ़ा तुमने सूट धो लिया है ना अब उसको दोबारा मत धो दो, जरा सब्र करो उसको प्रेस करो धूप लगाओ लटका दो कपड़े की ज़िंदगी लंबी होती है खुदा का वास्ता है कपड़े की ज़िंदगी लंबी हो रही है लेकिन प्रेस करने से भी वो स्वेटिंग की स्मेल नहीं जाती आप एग्री करते हैं ना इस बात से तो फिर अब आप ये देख लें कि लिबास की जिंदगी ज़्यादा अहम है कि आपका इमेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हाइजीन ज़्यादा अहम है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ये इग्नोर कर जाते हैं हाइजीन का इतना अहम रोल है मैं आपको बताऊं हमें जो आजकल ये स्किन कैंसर और ये बीमारियां फैलती नज़र आ रही हैं इसके रीज़न पता है क्या है सबको पता है हाइजीन हमारा हम लोग गारमेंट्स चेंज करने में इतना टाइम क्यों लगाते हैं आप क्यों अपने अंडर गारमेंट्स को रेगुलरली चेंज नहीं करते आपको पता ही नहीं है ये ब्रेस्ट कैंसर का महीना चल रहा है इतना बढ़ता जा रहा है कि उसके पीछे मैंने क्योंकि मैं एक रेडियो में काम करती हूँ मैंने कैंसर हॉस्पिटल के कोई गेस्ट आए डॉक्टर्स थे हमारे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने भेजे हुए थे मैंने उनसे सवाल किए बहुत सारे सवाल ऑन एयर किए बहुत सारे सवाल ऑफ एयर किए और फिर जो सवाल किए वो इसी की कि, कि मैं खुवात से ये बात कर सकूँ ये आपका और मेरा एक बड़ा गहरा रिलेशनशिप है उन्होंने बड़े खुले अल्फाज में मुझे कहा कि गारमेंट्स को चेंज किया करें जैसे लिबास को चेंज करते हैं क्योंकि उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो ये उन्होंने मुझे एक टिप बताई बड़े ढके छुपे बाज़ में जो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी ख़वातन के साथ ये बात शेयर करूँगी मुझे आपकी ज़िंदगी बहुत प्यारी है मुझे क्या प्यारी है आपको प्यारी है आपके माँ बाप को आपकी ज़िंदगी प्यारी है आपके घर वालों को बच्चों को मियाँ को सबको तो आपने राइट इमेज प्रोजेक्ट करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ वाह वाह करवानी है और सक्सेस करवानी है आपको लंबी उम्र चाहिए आपके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी है, आपने ज़िम्मेदारियाँ निभानी हैं सो so, आप अपनी अपने आप से मोहब्बत करना शुरू कर दें मैं उम्मीद कर रही हूँ आज के सेशन के बाद आप सबको खुद से मोहब्बत हो जाएगी यकीन जाने, जब आप खुद से मोहब्बत करना शुरू करते हैं ना तो आपकी ओवरऑल शख्सियत जो है ना मिस है ना एक ऐसी शख्सियत बन जाती है कि देखने वाले को पता चल जाता है ये लड़की खुद से मोहब्बत करती है जब आप ऑब्वियसली सर से लेके पैर तक अपनी हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं अपनी क्लीनलीनेस का ध्यान रख रहे हैं अपने फैशन अपने ट्रेंड्स अपनी चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो इट्स ऑल मीन दैट कि आपको खुद से मोहब्बत हो गई है और आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी एक ज़बरदस्त ज़िंदगी जी कर जाएँ बड़ी हो छोटी हो अल्लाह के हाथ में लेकिन अपनी तरह से कोशिश करते रहना चाहिए जिस तरह आप एक फील्ड को एक एक, एक, एक यू you नो know, एक शोबे को हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं बड़े बच्चे एंट्री टेस्ट देते हैं लेकिन वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते पर वो ये तो नहीं करते कि वो टेस्ट छोड़ के बैठ जाते हैं कि मैंने देना ही नहीं मैंने कोशिश ही नहीं करनी बाकी रब के हाथ में आपने जो आपके ऊपर फ़र्ज़ है कोशिश है वो आपने करनी है तो ये आप लोगों ने बहुत ज़रूरी है कि करनी है जन तीसरी चीज़ है आपका बॉडी लैंग्वेज आप बोलते कैसे हैं वो तो वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है लेकिन ये बॉडी लैंग्वेज आपको पता है हमारे जिसम की हमारे जिसम की बॉडी का हमारा जो है सिस्टम उसके डिफरेंट किस्म के क्या हैं बॉडी लैंग्वेजेस हैं जैसे आप चलते हैं उठते हैं बैठते हैं बात करते हैं बात करते हुए आपके हाथों की मूवमेंट आपको पता है मैं ना ये भी एक्सपर्ट्स हैं जो बताते हैं कि हाथ की मूवमेंट करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे जज किया जा सकता है तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है जो कि एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है एटिकेट्स एंड मैनर्स बहुत सारी चीज़ें आपने खाना कैसे खाया है आपको कांटा छुरी किस तरह पकड़ना आता है अगर आप नीचे बैठकर भी खा रहे हैं तो आप किस तरह खा रहे हैं हबड़ हबड़ में खा रहे हैं तमीज़ से खा रहे हैं हाथ से भी खा रहे हैं नवाला कैसे ले रहे हैं ये तो नहीं कि आपने मुंह में नवाला डाला पूरा मुंह गंदा हो गया आधे चावल नीचे आद, आपने देखा है अक्सर औरतों को नहीं मैंने देखा मर्दों को देखा ऐसे खाना खाते हुए तो ये ये आपकी और ख़वान में भी ये चीज़ आती जा रही है वो जब देखती है ना औरत मियाँ ऐसे खा रहे तो वो ईजी हो जाती मैं भी फिर ऐसे ही खा लेती हूँ खैर क्योंकि वो ईज़ी हो जाती है कि ये मुझे जज नहीं करेंगे क्योंकि ये खुद ऐसे खा रहे हैं तो फिर वो भी उस तरीके से खाना शुरू कर देती हैं यही रीज़न है कि शादी के बाद बहुत सारी बच्चियाँ अपने ससुराल के रंग में ढलना शुरू हो जाती हैं वो अच्छा हो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो वो उस तरह की हो जाती है एनी वीजन आप आगे चलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा अब ये देखना कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन में क्या चीज़ है जो आपकी जज की जा रही होती है एक तो आपका ऑब्वियसली सोशल स्टेटस है इकोनॉमिक स्टेटस है कि आप आपके ड्रेसिंग से पता चल जाता है कि मतलब आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या होगा बेटा एक बात याद रखना इकोनॉमिक स्टेटस को स्टेबल करते करते ये ब्रांड्स की तरफ जाना ब्रांड्स के कपड़े पहने या आपका इकोनॉमिक लेवल या आपका फाइनेंशियल लेवल स्ट्रोंग नहीं करता अगर आपको नॉलेज है कि आपके कपड़े किस तरह के होने चाहिए आपकी जूती कैसी होनी चाहिए तो आप यकीन जानेंगे आप एक आम सी पब्लिक मार्केट से आप एक लोकल मार्केट से भी कपड़ा ला के पहनेंगे वो आपने ऐसे पहना होगा कि वो ब्रांडेड लगेगा आप खुद ब्रांड बन जाएंगे आप जैसे पहनेंगे लोग कहेंगे बड़े बड़े ब्रांड्स पहनने वाली जो बीवियाँ हैं ना उनके मियाँ उनको कहते हैं फ़लानी भाभी देखिए कितना अच्छा ड्रेसअप होती हैं तो वो लोकल मार्केट से ड्रेसअप हो रही होती हैं यकीन जाने अब उन्होंने इतना अच्छा लबास कैरी किया होता है उसके ऊपर ज़्यादा फूल बूटे नहीं होते उसके अंदर बहुत सारा कलर्स का मेस नहीं होता है क्लासिक उनकी पर्सनालिटी होती है तो क्या होता है हमारे घर वाले उनसे इम्प्रेस हो रहे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कोई ब्रांड पहने तो खुदा का वैसे ये जो ब्रांड्स की तरफ रश बढ़ रहा है ना बहुत ज़्यादा इसको आप लोगों ने कंट्रोल करना है मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रही वहां से भी लेना तो लें लेकिन फिर वो आपके बॉडी टाइप के मुताबिक होना चाहिए सो so, ये चीज आपके सोशल इकोनॉमिक लेवल जो है ना उसको बैलेंस करती है तो ये ब्रांड नहीं बैलेंस करता आपकी अक्ल आपकी समझ आपका शौर जो है उस चीज को बैलेंस करता है जनाब तीसरा दूसरा हमारा एजुकेशनल लेवल अच्छा ये जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है इसको हम एक में ही ले आते हैं यू नो सेकेंड हमारा एजुकेशनल लेवल अब आपने इतनी पढ़ाई की है अब आपने एक फील्ड में आ गए हो अब लोग आपको जज करेंगे तो वो आ, आप कहते हैं जो आपकी प्रोफेशन होता है वो आपकी पर्सनैलिटी पर आ जाता है ऐसा ही है सो so, अगर आप सिखाने वालों में से हैं ना तो फिर आपकी शख्सियत वो होनी चाहिए आपकी पर्सनालिटी के अंदर जो पॉजिटिविटी पाई जाती है ना क्योंकि आपको पता ही नहीं है इतना महजब किस्म का आपने आप यकीन करें कि एक फ़ील्ड अपना ली है यहाँ तो किसी को रेसिपी पूछो तो वो आपको अपनी रेसिपी नहीं बताता किसी से पूछो आंटी आपने आलू की भुजिया बड़ी अच्छी बनाई थी इसकी रेसिपी क्या थी आंटी का आगे से जवाब होता है कि जब खानी हो मेरे घर आ जाना तो रेसिपी मैं नहीं बताऊंगी सो <laughs> so, लोग तो इतना इलम शेयर नहीं करते तो फिर आपने तो इतना कुछ सीखा इसलिए कि आपने सिखाना है अब वो कासिम भाई अक्सर एक, एक बात करते हैं ना कि लीडर कौन है लीडर वो है जो दूसरों को लीडर बनाता है ना कि वो खुद हुक्मरान बन के बैठ जाता है ये डिफरेंस पाया जाता है सेठ कल्चर में और लीडर में तो लीडर जो है ना कासिम भाई को देखें वो लीडर है माशाल्लाह वो कितने लोगों को सिखाते हैं सो आप लोग देखें कि आप उस राह पे चल रहे हैं कि आपने सीखा इसलिए कि आपने सिखाना है तो जनाब ये एजुकेशनल लेवल आपका जो है ये ये बताता है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन में कि आपका एजुकेशनल लेवल क्या होगा एजुकेशनल लेवल कैसे बताएगा आपकी पर्सनैलिटी से बताएगा यू नो सेकेंड थर्ड चीज हमारी थी डिजायरेबिलिटी टू यू ये अप्रोचेबिलिटी जो मैंने आपको अभी बताई है कि आप बेसिकली आपकी क्या डिज़ायर है और आप क्या चाहते हैं वही जो मैंने सीखा है वो मैं सिखाऊं कितना ज़बरदस्त ये काम है ये अप्रोचेबिलिटी लोगों के लिए आसान कर देना लोगों के लिए अपने आप को अवेलेबल कर देना इट्स ऑल शोज़ के आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बता देता है कि इस बंदे की शख्सियत में पता है कि ये कितना अप्रोचेबल है कितनी डिजायरेबिलिटी इसके अंदर पाई जाती है अच्छा जज कौन करेगा फर्स्ट इंप्रेशन में जज कौन करेगा माँ बाप तो जज नहीं करेंगे उनके साथ तो आप दिन रात रहते हैं आपके हस्बैंड आपको नहीं जज करेंगे बहन भाई नहीं करेंगे रिश्तेदार नहीं करेंगे उनके साथ आप रहते हैं आपको जज करने वाले कौन है बीइंग अ टीचर यकीन रखें आपको आने वाले नए स्टूडेंट्स आपको जज करेंगे वो आपके बारे में ज़रूर अंदाजा लगाएंगे क्योंकि आपने उनके उनको इस अंदाजे के लिए बुला लिया वो आ गए आपके पास अब वो आपके आपको जज करेंगे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जाहिर है जो आपके नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके पेरेंट्स से जब आपकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी तो वो भी आपकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे हर नया इंसान जो आपसे मिल रहा है वो कोई भी है वो आपकी पर्सनालिटी को जज करेगा विच इज़ नॉट नेगेटिव थिंग ये नेचुरल है हम भी करते हैं आप भी करते हैं हम सब करते हैं तो फिर दूसरे भी करते हैं हमें जनाब आप, आपके न्यू कोलीग्स जो आते हैं वो भी आपको जज करते हैं इसी में आपका एम्प्लॉयर आपका एम्प्लॉयर आपको ज़रूर जज करेगा क्यों जज करेगा भैया आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं वो अब आपको तरक्की तो उन्होंने देनी है आपने एक अदारा ज्वाइन कर लिया अब उसके बाद वो अदारा आपको कितनी देर तक लेकर चलेगा उसका फैसला तो आपका एम्प्लॉयर करेगा ना आपकी पर्सनालिटी को कि आया मैं इस बंदे पे इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये अपनी जात पे कितना इन्वेस्ट कर रहा है ये नजर आ जाता है मैं आपको बताऊँ आपकी शख्सियत में आप आप पास से गुजरे हैं खुशबू आई है ख़ाली खुशबू नहीं आई लेकिन अब देखेंगे कौन गुजरा है तो देखेंगे कि चप्लां टीचर गुजरी है अब वो जो टीचर गुजर रही है तो उसके ऊपर पहली नजर जाएगी तो वो क्या होगा उसका लबास वो बड़ी प्रोफेशनल है उसने कोई रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहने हुए वो प्लेन सॉलिड कलर्स में है उसने लाइट टोन में कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं अच्छा आप टीचर्स हैं ना आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो किस किस क्लास के हैं कुछ मुझे बताएं प्लीज़ आप बताएं ग्रुप के आप बताइए आप पीछे येलो दुपट्टे में seven, six, seven, six, seven, आप लोगों के जो हैं वो कौन सी क्लासेस के Four. देखा ना यानी ये जो आपके एट से नीचे नीचे के बच्चे हैं ये हैं मासूम छोटे से जिन्होंने आपको नेचुरली जज करना ही करना है और उस बेस पे करना है जिस बेस पे मैंने आपको बोला कि मुझे तो वो टीचर अच्छी लगती थी जो वेल well ड्रेस्ड होती थी लाइट कलर के उन्होंने स्टार्च वाले कपड़े पहने होते थे एक लाइवली सी स्माइल उनके चेहरे पे थे स्माइल की बड़ी इंपॉर्टेंस है जनाब स्माइल आपके चेहरे से पर जो होती है ना वो आपकी पूरी शख्सियत का जो है वो एक कर देती है क्या कहना चाहिए एग्जामिन कर देती है उसको उसका रिजल्ट दे देती कि ये बड़ी प्यारी शख्सियत है अप्रोचेबिलिटी है इनके अंदर तो जनाब ये आपको जज करने वाले लोग थे जो मैंने बताया वह आज के बाद एम्प्लॉयर से डर के रहना है डर नहीं रहना इंप्रेस करने की कोशिश करनी है ठीक है जनाब परसेप्शन दे कैन फॉर्म इन योर देखो ये नेचुरल है आप जब भी किसी को देखते हैं ना तो आपके जहन में उसका प्रोफेशनलिज्म सोफिस्टिकेशन लेवल इंटेलिजेंस लेवल क्रेडिबिलिटी लेवल अट्रैक्शन लेवल ये सब आ जाता है क्योंकि आप उस्ताद हैं बच्चों ने आपसे इंस्पायर होना है आपके अंदर ये सब चीजें होंगी क्योंकि वो अपने परसेप्शन में आपकी आपको इस बेस पे जज कर रहा है आपके ये लेवल्स ठीक हैं कि नहीं आपके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं क्या आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं क्या आप देखने में प्रोफेशनल लग रही हैं क्या आप इतनी फ्रेंडली हैं कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई है वो आपके पास आके कहेगा मिस ये मसला हो गया या बच्चा डर कर ही बैठ जाएगा कि मिस से बात नहीं करनी मिस तो पढ़ जाएंगी सॉरी टू से हमने ऐसी ऐसी टीचर्स देखी हुई हैं सो so, टीचर्स को चाहिए कि जब वो घर में कोई मेस क्रिएट हुआ कुछ भी हुआ हर एक के घर में होता है भाई किसी भी स्ट्रेस से आई है वो स्ट्रेस वहाँ छोड़ आए जिस टाइम पर आप स्कूल में एंटर हों आप अपना पिछला मंजर भूल कर आए अंदर आते ही आपका पूरा सिनेरियो चेंज होना चाहिए पता है उससे क्या होगा एक तो जो गुस्सा आप सुबह लेकर आ रही थी वो गुस्सा आपने थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर दिया तो क्या हुआ कि जब आपने ख़त्म किया और आपने स्कूल का ड्यूरेशन गुजार लिया और आप वहाँ से निकले और अब आप, आप घर जा रहे हैं तो रस्ते में आप सोचेंगे सुबह ये हुआ था अब वो रिकॉल करेंगे आप ये किए जाने आपका गुस्सा इतना ठंडा हो चुका होगा आप घर जा के चीज़ों को उस तरह से नहीं लेंगे जिस तरह आप उस वक़्त लेते अगर आप स्कूल में आकर उस चीज़ को भूले ना होते आप ये देखें कि जिस लेवल के बच्चों को आप लोग पढ़ा रही हैं ना ये बड़ा सेंसिटिव दौर है या तो उस बच्चे को उस सबक से उस मजमून से मोहब्बत हो जाएगी मिस है ना या फिर वो पढ़ाई से ही पीछे हट जाएगा फिर वो सिर्फ मैथ इंग्लिश या उर्दू से नहीं पीछे हटेगा एक टीचर जो है ना वो उसको उसके करियर में बहुत पीछे लेकर चली जाएगी सो so, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर इस चीज़ की आती है कि आपने जो भी करना है अपनी शख्सियत के थ्रू करना है आपने अपने बच्चों को अपना फ़ैन बनाना है छोटा छोटा बच्चा आप यकीन जाने मैंने ऐसे से भी लोग देखे हैं कि क्योंकि मेरी वादा का ताल्लुक रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट से और आज भी कभी हम जाते हैं ना कभी शॉपिंग करने तो जवान जहान बच्चे उनको मिलने के लिए आते हैं कि ये मिस नासरा आई हैं वो तो मैडम आई हैं तो ये मैडम है अब वो हैरान हो रही होती है मेरे बच्चे इतने जवान हो गए हैं मुझे पता ही नहीं मैं तो इनकी शक्लें भूल गई हूँ लेकिन बच्चे पहचान जाते हैं लेकिन जिन बच्चों को आपने मोहब्बत नहीं ना दी होती वो ना तो स्कूल में आपको पहचानते हैं ना कभी ज़िंदगी में बाद में पहचानते हैं तो कोशिश करनी है कि अपनी पर्सनालिटी को इतना हम्बल बनाना है इतना हाइजेनिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है कि उन बच्चों को आपसे मोहब्बत हो जाए आप यकीन करें आप अपनी मोहब्बत में बच्चों को गिरफ्तार करेंगे ना बच्चे उस फील्ड से मोहब्बत में आ जाएंगे तो क्या होगा इन फ्यूचर पाकिस्तान को एक अच्छा मैथमेटिशियन मिलेगा एक अच्छा साइंटिस्ट मिलेगा अच्छा डॉक्टर मिलेगा देखें कितना बड़ा फ़र्ज निभा रही हैं कभी सोचा है सो so, ये बात आप लोगों ने सोचनी है कि हर चीज़ की एक डायरेक्शन होती है डायरेक्शन को आपने फॉलो करना है ख़ुद भी और बच्चों को आपने फॉलो करवाना है अपनी ज़ात से डायरेक्ट करवाते हुए उनको उनकी सक्सेस तक लेके जाना है so, सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ बड़ी पसंद आई होगी कि ये जो चीज़ जो माइंड सेट है ये सारी एक साइंस है देखो कहाँ से शुरू होती है कहानी और कहाँ पर ख़त्म होती है जनाब ये सारे लेवल्स जो है उससे आप, आपकी एक परसेप्शन बन जाती है राइट डायरेक्शन की बात हो रही है राइट डायरेक्शन टूवर्ड्स सक्सेस पर्सनैलिटी कांट बी चेंज इन अ डे और टू मैं से ना मैं एक दिन अच्छी लगूंगी मैं दूसरे दिन प्रोफेशनल लगूंगी और मैं तीसरे दिन मैसी उठ कर आ जाऊँगी मैंने तो अपना इमेज बिल्ड ना किया मेरी तो वो लुक क्विन ही नहीं थी मेरा तो कोई सिग्नेचर स्टाइल ही नहीं था आपने देखा अक्सर हम कभी किसी की पहचान करवाते हैं तो हम कहते हैं फ्लां वो जो बड़े अच्छे कपड़े पहनती हैं फ़लाँ जिनका जूड़ा ऐसे होता है फ़लाँ जिनकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है ठीक है फ़लाँ जो कोट शूज़ पहन के आती हैं वो कोई एक होती है टीचर जस्ट जो पहचान बन जाती है क्यों क्योंकि उनका एक सिग्नेचर स्टाइल हो जाता है आज मुसरत मिसबा को देखें हैं तो वो ब्यूटिशन लेकिन उनकी शख्सियत में ना एक उस तानी का वो जो झलकता है ना सिखाने वाले का जो एक पर्सनालिटी होती है उन्होंने वो बना दी हुई है आप ज़ुबैदा अपा शेफ थी याद होगा सबको ज़ुबैदा अपा की पर्सनालिटी देखें हाईली इंस्पायर्ड ये वो पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी एक लुक कोइन कर ली थी और उस लुक को कॉइन करने के बाद अब क्या हुआ है कि वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं लेकिन आज भी वो मेरी तरह के बहुत सारे लोगों की प्रेजेंटेशंस की जीनत बनी हुई है क्योंकि उनकी एक ऐसी पर्सनालिटी थी कि जो मैं सबको दिखाती हूँ कि ये देखें ज़ुबैदा आपा लुक कॉइन करने की बात हो रही है सिग्नेचर लुक की बात हो रही है तो ये कुछ चीज़ें कुछ शख्सियात मेरे पास है अच्छा जी तो जनाब हम कहे थे कि पर्सनालिटी जो है वो एक दो दिन में तो चेंज हो नहीं सकती एक दिन मैं खूबसूरत लगूँ और प्रोफेशनल लगूँ दूसरे दिन भी मैं सक्सेसफुल लगूँ तीसरे दिन अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है <laughs> मैं मैसी बन के आ जाऊँ ऐसे नहीं हो सकता बड़ा अच्छे एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी नाइन्टी टू न्यूज़ की वार्ड्रॉप हेड हुआ करती थी तो वहाँ पर डिफरेंट हमारे जो है प्रोग्राम के गेस्ट आया करते थे तो आसमा साहिबा जो बुष अंसारी की बहन है वो एक दिन आई और वॉडर में रेडी होकर आई अब मेकअप करवा रही थी तो मुझे लगा उनकी तबीयत थोड़ी ढीली ढीली है तो मुझे कहने लगी समन बात पता है क्या मुझे बहुत तेज़ टेम्परेचर है तो दो मिनट के लिए मेरे जहन में ये सवाल आया कि अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो फिर शो करने भी आ गई हैं और बड़ी हिम्मत की बात है कि इतना सज धज रही हैं तैयार हो रही हैं तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने उनको पूछा कि मैम फिर आप ना आती हैं आज उसके जहन में भी जाहिर ही सवाल आया होगा तो उन्होंने कहा नहीं ये एक बहुत अच्छी थेरेपी है जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना मैंने कहीं ना भी जाना हो मैं शीशे के सामने बैठी हूँ एक अच्छा सा जोड़ा पहनकर अपना मेकअप करती हूँ फुल मेकअप करती हूँ कोई ना कोई नया मेकअप करके देखती हूँ कि अगर मैं ये वाला रंग लगाऊंगी तो मैं कैसी लगूँगी तो क्या होता है कि मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है और मैं फ्रेश हो जाती हूँ सो so, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आपने जो अपनी सक्सेस की तरफ जाना है ना, आपकी तबीयत भले ही ख़राब है आप यकीन जाने एक तो आप फ्रेश हो जाएंगे तैयार होने से और दूसरा ये कि आप राइट इमेज भी प्रोजेक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे ठीक है बहुत ज़्यादा तो मेकअप थोपने का हमने कहा ही नहीं है किसी को हम तो कहते हैं एक सटल एक कंज़र्वेटिव मेकअप लुक और एक कंज़र्वेटिव आपने स्टाइल अपनाना है क्योंकि आप टीचर हैं उस्ताद हैं लोग आपसे सीखते हैं बट एट द सेम टाइम जब आप इतने अच्छे ड्रेसअप होते हैं तो लाइवली तो आप लगते हैं और एक स्माइल ज़रूर चेहरे पर रखनी है ठीक है जनाब आगे चले अच्छा अब जैसे डायरेक्शन की बात हो रही थी हमने कहा कि आपने ऑब्वियसली शुरू में मैंने बात की कि, कि आपने जब एक फील्ड को अपनाना होता है उसके लिए आप पढ़ाई करते हैं आपको एक डायरेक्शन मिली होती है और फिर आप उस मकाम तक पहुंच जाते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से जब आपने सक्सेसफुल होना है तो ये जो ग्रूमिंग और ये हाइजीन और ये जो आपकी इमेज बिल्डिंग है ना इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि क्या होगा कामयाब आप अपनी तलीम की वजह से हो सकते हैं लेकिन उसका जब आप फुल पैकेज बन चुके हो आपको देखने वाले को पता हो कि इस बंदे को आपको पता है अक्सर जगह पे क्या होता है मैं शौकिया इंटरव्यू देने जाया करती थी जिस वक्त मेरा लाइफ का स्टार्ट था ना प्रोफेशनल लाइफ का तो मैं शौकिया चली जाती थी इंटरव्यू देने के लिए मिस है ना मेरा बड़ा मजाक भी उड़ता था मेरे घर में इस बात पर लेकिन मैं कहती थी मैं इंटरव्यू में अपेयर होकर देखना चाहती हूँ कि एम्प्लॉयर के सवाल क्या क्या होते हैं कुछ लोग आपसे बड़े फैमिली क्वेश्चंस करते थे कुछ लोग आपसे बड़े प्रोफेशनल क्वेश्चंस करते थे बट उसके साथ साथ देखो उस वक्त तक मैं फील्ड में भी नहीं आई थी लेकिन उस वक़्त भी ये होता था मैं बड़ी टिप टॉप होकर तैयार श्यार हो जाती थी कि मुझे अगले को पता हो तो क्या होता था कि अगर मैं चौथे नंबर पर गई हूँ ना मुझे सबसे पहले अंदर बुला लिया जाता था कि इसका इंटरव्यू करना और समटाइम्स ये होता था हायरिंग उसी वक्त हो जाती थी और कह दिया जाता था कि बाकियों को कह दें कि वो इंटरव्यूज़ के लिए हम आपको कॉल कर लेंगे तो हमेशा मेरी कोशिश रही है कि सिर्फ ज़ुबान के साथ इंस्पायर नहीं करना अपने अल्फाज के साथ नहीं करना आपने अपनी पर्सनालिटी के साथ भी अपने अपने फील्ड को प्रेजेंट करना है बेसिकली क्योंकि ये तो आप सीवी बाद में देंगे जाके पहले तो आपकी पर्सनालिटी बताएगी आप क्या है तो फिर वही बात आ जाती है कि जो आपकी फील्ड है आपको वो लगना है दिखना है कि कोई पूछने से पहले ही कह दे टीचर्स हैं प्रोफेसर्स हैं राइट तो अब ये चीज़ें हैं कि एस्पेक्ट्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं ग्रूमिंग में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं हर चीज़ के ऊपर आऊँगी और आपसे बात करूँगी इसमें हमने ड्रेसिंग ओवरऑल और क्लिनलीनेस एंड और हाइजीन हेयर नेल्स टीथ मेकअप शूज परफ्यूम्स और ज्वेलरी इसके ऊपर हमने थोड़ा थोड़ा सा टिप्स का सेशन कर लेते हैं ताकि आपका ये बड़ा अच्छा एक सेशन हो जाए और आप इसको बड़ा यू नो क्वालिटी सेशन समझे हाँ जी प्रॉपरीट ड्रेसिंग क्या है अप्रोपरीट ड्रेसिंग है जनाब बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी हाइजीन के लिए आपके जो कपड़े हैं वो बड़े वेल प्रेस्ड होने चाहिए मैं यहाँ पर देखे बगैर बताऊँगी क्योंकि पॉइंट्स तो मैंने लिखे आगे पीछे हो जाएँ तो माजरत है कपड़े बहुत ज़्यादा बैगी नहीं होने चाहिए कपड़े बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए मैंने बड़ी ख़वातीन को देखा है कपड़े पहने होते हैं इस तरह के कि एहसास ये होता है कि लगता है कि पहनने के बाद स्टिचिंग करवाइए है ना इतने ओवर टाइट होते हैं तो बैगी भी नहीं होने चाहिए कि आप उसमें भागे फिर रहे हैं और कपड़े इतने ओवर लूज हैं तो इतना भी नहीं करना है आपने लूज फिटेड कपड़े पहनने जनाब आपने कोशिश करनी है कि कंजर्वेटिव कलर्स में आप स्कूल में आए कंजर्वेटिव कलर्स कौन से हैं आपके एक जो मैंने कलर पहना हुआ है ये तो बहुत कंजर्वेटिव कलर्स में आता है इसके अलावा आपका टी पिंक कलर है ये मैंने आपको बात की थी ना कि आप समर्स में कोशिश करें जिस तरह आपने ये पिंक स्कार्फ लिया हुआ है इसका जो शेड है ये बहुत प्रोफेशनल है तो इस तरह के जो कंजर्वेटिव कलर्स हैं लाइट क्योंकि आपने बच्चों के साथ काम करना है अभी आप सीनियर स्कूल की या कॉलेज की टीचर्स नहीं हैं तो हर एक एक स्पेसिफिक मैार होता है आपने अपने बच्चों को अपनी तरफ यू नो अट्रैक्ट करना है सो so, आपने ऐसे कलर्स पहने जो बच्चे पसंद करते हैं लेकिन वो चीप नहीं होने चाहिए वो लाइट ब्लू हो सकता है जिसको स्काई ब्लू कहते हैं वो पिस्ताचियो ग्रीन हो सकता है वो टी पिंक हो सकता है वो आपका जो लाइट डर्टी पर्पल होता है वो हो सकता है हर वो शेड जो थोड़ा सा ग्रे के टोन में जा रहा होता है जो वाइट के टोन में जा रहा होता है वो आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए आपने कोशिश करना है कि आपने जो पॉपी कलर्स होते हैं भड़कते हुए रंग जैसे येलो हो गया जैसे शॉकिंग पिंक हो गया मजेंटा हो गया पर्पल हो गया बड़ा आप मेरी बात को समझ रहे हो कि मैं कौन से कलर्स कह रही हूँ उन कलर से आपने इज्तनाब करना है डार्कर कलर्स की बारी किस वक्त आती है जिस वक्त आपकी एम्प्लॉयर के साथ मीटिंग है या कोई प्रेजेंटेशन है या आपके स्कूल में कोई इवेंट है तो फिर आपने क्या करना है डार्कर कलर्स अप्लाई करने अपने ऊपर डार्कर कलर्स कपड़ों की सूरत में अप्लाई करनी ये ना वो ब्लैक कलर की लिपस्टिक लगा के आ जाए सारे ठीक <laughs> है ना डार्कर कलर्स की बात हो रही है लबास को लेकर जनाब एक और चीज़ जो बड़ी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि अपने कद के हिसाब से ड्रेसिंग करनी है कद के हिसाब से ड्रेसिंग की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हम तो राइट right इमेज की बात कर रहे हैं और टिप्स की बात कर रहे हैं अगर तो आपकी हाइट है शॉर्ट तो आपने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना देखने में तो बड़ा खूबसूरत लगता है स्काई ब्लू कलर का कुर्ता और उसके साथ वाइट कलर का ट्राउज़र या टी पिंक या लाइट ब्राउन कलर का कुर्ता और वाइट कलर का ट्राउज़र बट होता क्या है जब आपकी हाइट होती है शॉर्ट तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो आप क्या लगता है और छोटे लगना शुरू हो जाते हो सो so, आपने कोशिश करनी कि जब आप ये कलर्स पहन रहे हैं और आपकी हाइट है छोटी तो आपने सेम कलर में जाना है अगर आपने ऑफ आप वाइट पहना है तो फिर वो ओवरऑल ऑफ वाइट होगा दोपट्टे से लेकर ट्राउजर तक अगर आपकी हाइट बहुत टॉल है तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा सकते हैं बट कलर्स आपने लाइट रखने हैं ब्राइट नहीं रखने ब्राइट आपने नहीं रखने ब्राइट रखने ही नहीं है प्रिंट्स तो आपने पहन नहीं नहीं है ये तो बहुत ही इन अप्रोप्रिएट लगते हैं क्योंकि पता क्या होता है आपकी पर्सनालिटी छुप जाती है आपने समटाइम्स देखा है कि लोग कहते हैं तुम्हारा लिबास बहुत अच्छा लग रहा हो लग रहा है तो होता क्या है कि उस वक्त लिबास अच्छा लग रहा होता है बट कोई जब ये कहता है ना आज तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो इसका मतलब होता है कि जो लिबास लिबासने पहने वो आप सूट कर रहा है वो आप अच्छे लग रहे हो इसका मतलब ये लिबास आप पे सूट कर रहा है सो तो आपने जो ये चीज़ है जो एप्रिसिएशन है वो कुछ इस तरह से अवेल करनी है कुछ इस तरह से गेन करनी है कि कोई आपको कहे कि आप अच्छे लग रहे हैं वो उसी सूरत में जब आपकी शख्सियत इन्हांस होकर बाहर आएगी प्रिंट्स में तो प्रिंट्स वायर आ जाएंगे ना वो हमारा ध्यान एकदम कलर पे जाएगा राइट ऐसे ही है ना हम जब किसी को प्रिंटेड ड्रेस में देखते हैं ना या एम्ब्रॉयड्रेड हैवी ड्रेस में तो हम उसको छोड़ देते हैं वो कैसा लग रहा है मेकअप की तरफ भी नहीं जाते हम देखते हैं अच्छा कौन से कलर का कल लबास है अच्छा इसके साथ ये कॉम्बो होता तो ज़्यादा अच्छा लगता है ये है तो ये ना नेचुरली हमारे जहन में सवाल आत चलते रहते हैं चलते रहते हैं दिमाग हमारा बड़ा तेज़ है तो वो हर वक्त कुछ ना कुछ करता ही रहता है कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है सो so, ये चीज़ें जो है ना ये बहुत मैटर करती हैं जनाब इसमें आपने डीप और लो कुछ नहीं पहना आपने ट्रेंड्स की तरफ नहीं जाना आपने फैशन की तरफ नहीं जाना लो नेक है डीप नेक है बैक से फैशन में होगा फ़ैशन आपके लिए नहीं है आपका शोभा एक बहुत महजब शोभा है आप औरत जात हैं आपने किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना आपने सबको अपनी इज्जत पर आमादा करना है आप वो कहते हैं ना कि आप इज्जत करेंगे तो आप इज्जत गेन करेंगे बट यहाँ पर यह कि आपने इज्जत करनी तो ऑब्वियसली होती है बट ये कि आपने, कि आपने अपनी इज़्ज़त करानी भी होती है वो आप अपने लिबास से कराते हैं आपको क्या लगता है जो लड़कियाँ ट्रेंड्स के साथ चल रही होती हैं हर ट्रेंड हर लड़की के ऊपर सूट करता है नहीं क्योंकि आपका अपना बॉडी टाइप है आपका अपना पोस्चर है आपकी अपनी स्किन अंडर टोन है आपकी अपनी हाइट है आपकी अपनी बॉडी शेप है ये सारी चीज़ें आपकी अपनी हैं बट आपने मॉडल से इंस्पायर नहीं होना कि ये ट्रेंड चल रहा है तो मैंने ये पहनना ठीक है अच्छा होगा शॉर्ट शर्ट्स का फैशन होगा ओवर लॉन्ग शर्ट्स का फैशन बट इन प्रोफेशनल इन्वायरमेंट नॉट अलाउड आपकी शर्ट की लेंथ आपकी नी से शॉर्ट नहीं होनी चाहिए आपकी नी से हमेशा नीचे होनी चाहिए देखिए ये वो वाली लेंथ है जो हर ट्रेंड में चल रही होती है ठीक है आपने कोशिश करना है कि आपने इसकी लेंथ को फॉलो करना है बोर तो नहीं हो रहे बहुत ज़्यादा लंबी प्रेजेंटेशन तो नहीं हो रही क्योंकि टिप्स है और आपके बारे में है राइट जनाब आप आगे चलते हैं अच्छा प्रिंट्स मैंने आपको बता दिए इन ठीक है ये प्रिंट्स है हाँ एक सूरत में आप ये पहन सकते हैं अगर आप प्रिंट्स के बगैर नहीं रह सकते तो आप इसकी फेसिंग कर सकते हैं कोई पट्टी लगा ली कोई बटन्स बना के लगा लिए तो ये चीज़ें जो है ना ये आप इस तरीके से कैरी कर सकते हैं लेकिन खुदा का वास्ता है आपकी शख्सियत बहुत अहम है और आपने इसको खुद अहम बनाना है ठीक है तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग ना ये नहीं करेंगे अच्छा इन अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग में मैंने साथ साथ ही कवर कर दिया था कि सी थ्रू नहीं पहनना अनक्रीज्ड अनप्रेस नहीं पहनना पॉपी कलर्स नहीं पहने प्रिंट्स नहीं पहने टाइट क्लोथ्स नहीं पहने प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में क्या कभी भी ना पहने मैं तो कहूँगी अच्छा देखें ना ये कितनी अच्छी बात है इन अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग में सिचुएशनल ड्रेसिंग की कितनी अहमियत है देखो जिम करने जाते हैं जिम का एक अलग ड्रेस है समझ सकते हो वॉक करने जाते हैं उसका अलग ड्रेस है स्पोर्ट्स करने जाते हैं उसका अलग ड्रेस है पता है मैं क्या कहना चाह रही हूँ देखो ये अप्रोप्रीट इन अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग की बात हो रही है लेकिन सिचुएशनल ड्रेसिंग की यही अहमियत है इंसान इन्वायरमेंट के हिसाब से उसको कपड़े दिए जाते हैं ना जोकर को जोकर कैसे दिखाता है कपड़ों से दिखाता है विलन का ड्रामों में फिल्मों में देखिए जब विलन का करेक्टर होता है तो उसकी ड्रेसिंग देखिए उसको देख के पता चल जाता है ना विलन है बड़ी बड़ी मूछे एक मोटा सा लंबा सा चौड़ा सा बंदा सिगरेट पी रहा है अजीब सी पर्सनालिटी बेहंगम सी पान खा रहा है लबास उसका इतना बेहंगम अजीब सा होता है तो उससे और बालों से पता चल जाता है मतलब उसकी ओवरऑल शख्सियत कि ये लग रहा है तो लबास से लग रहा है कि सिचुएशन क्या है लबास से लगता है कि आप कहाँ आए हैं जिम करने आए हैं स्पोर्ट्स करने आए हैं पट यहाँ तो आप प्रोफेशनल बनकर आए हैं ना तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया है सो so, ये मुझे कासिम भाई ने बड़ी ताकीद से कहा कि प्लीज़ इसके ऊपर बड़ा फोकस करना कि हाइजीन के साथ साथ बच्चों की जो ग्रूमिंग है ना वो किस लेवल की होनी चाहिए तो आप लोगों ने मेरी बात को बड़े गौर से सुना है बेटा जो होते हैं ना प्लेन कलर्स उसका बड़ा फ़ायदा है प्लेन कलर्स का पता है क्या फ़ायदा है लबास की ज़िंदगी लंबी होती है पूछे कैसे मैंने एक ही लबास के ना डिफरेंट अटायर कैरी किए कभी उसके साथ पेंडेंट चेंज कर लिया कभी उसके साथ दोबट्टा चेंज कर लिया कभी कंट्रास्ट में चले गए कभी प्रिंट में चले गए आपने एक ड्रेस बनाया लेकिन उससे आपने कई सारी जो है ना यू नो स्टाइल्स बना लिए एक दफ़ा कोई चेंज पेंडेंट पहन लिया सेकंड टाइम पहना तो दोपट्टा चेंज कर लिया तो उसका एक ओवरऑल लुक डिफरेंट हो गई सो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको बड़ी करती हैं अच्छा अब जब आप बोर हो गए उस सूट से बहुत पहन लिया अब मैंने नहीं पहनना शर्ट को लेकर जाएं ब्लॉक प्रिंटर के पास उसको कहें इसके ऊपर सेकंड किसी भी कलर का डिसेंट कलर का प्रिंट कर दे वो आपको प्रिंट कर देगा अब उसको आप रख लें अपनी सोशल गैदरिंग्स के लिए तो क्या हुआ कि आपने एक लबास बनाने के बाद उसको तीन चार तरीके से इस्तेमाल कर लिया समझ सकते हो मेरी बात आप लेकिन सफाई और धुलाई पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है अगर आपको ये लगता है ना कि बार बार कपड़े धोने से उसकी जिंदगी ख़त्म हो जाती है तो नहीं हाँ जिंदगी ख़त्म उसकी इस तरह होती है जब आप उसको प्रेस नहीं करवाते क्योंकि जब जब आप लबास को प्रेस करते हैं ना उसकी शाइन बढ़ती है तो प्रेस करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है लबास को जब पहनते हैं ना उसको जब वॉश करने लगते हैं तो सर्फ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें लोग करते हैं ना खुशबू के लिए सरफ डालते हैं आपने सफाई के लिए सर्फ डालना है उसकी क्वांटिटी सर्फ की भी बचत हो जाएगी <laughs> और उसके साथ साथ ये होगा कि आपका जो है वो वॉश भी अच्छे से हो जाएगा और अच्छे तरीके से धूप में सुखाएं लबास को और वो कहते हैं ना उसको छंका के जब आप धो लेते हैं उसको छिनकाएँ है ताकि पानी निकल जाए एक्स्ट्रा फिर उसको धूप में डालें तो उससे आपके लबास की ज़िंदगी लंबी होती है अच्छा लबास स्टिच कराने के बाद उसको ओवरलॉक ज़रूर करवाया करें ताकि उसका स्टिच पक्का रहता है ये छोटी छोटी टिप्स हम साथ साथ देते चलेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज में इजाफा होता जाए अच्छा यहाँ पर ये सारी बात हो गई अब सजेस्टेड प्रिंट्स अगर बड़ा शौक है प्रिंट पहनने का तो कुछ प्रिंट्स ऐसे हैं जो आप पहन सकते हैं जिसमें अगर मैं आपको बताऊँ ना ये वाला प्रिंट ये है सेल्फ प्रिंट सेल्फ प्रिंट क्या होता है सेल्फ प्रिंट होता है सेम बैकग्राउंड के ऊपर सेम कलर का या 19 बीस का थोड़ा सा हाईलाइटेड प्रिंट होता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ प्रिंट आपके पास प्रिंट्स में से जो ऑप्शन है ना वो ये हैं सेल्फ प्रिंट और चेक्स लाइंस पोलका डॉट्स और लाइंस अब आपको मैं बताती चलूँ लाइंस का हिसाब कैसे करना है अगर आप बहुत स्किनी हैं तो फिर आप थोड़ी सी ब्रॉडर लाइंस लेंगे स्किनी बच्चों के लिए बहुत कमजोर बच्चों के लिए ये वाली लाइंस आपकी शख्सियत को थोड़ा सा प्रोमिनंट करेगी तो आपके लिए ये वाली लाइंस हैं पेंटक्स बोलते हैं इससे भी बारीक को अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं ना तो फिर आपके लिए ये वाली लाइन्स ठीक है बहुत चौड़ी नहीं ठीक है और अगर आप जो हैं एक नॉर्मल फिजीक रखते हैं ना मोटो में आते हैं ना पतलों में आते हैं तो आप पेंटक्स पहन सकते हैं पेंटक्स जो बहुत सेंटीमीटर्स की बारीक सी लाइंस होती हैं तो वो आप जो है पहन सकते हैं सो so, ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पोलका डॉट्स में जो है बड़े पोलका डॉट्स भी होते हैं छोटे पोलका डॉट्स भी होते हैं इसमें भी आपने सेम वही रूल एप्लीकेबल है जो लाइन्स के ऊपर है अगर आप बहुत ज्यादा स्किनी हैं तो स्किनी बच्चे जो हैं वो थोड़े से बड़े वाले पोलका डॉट्स पहनेंगे और जो बच्चे थोड़ा सा ओवरवेट हैं है वो क्या करेंगे छोटे पहनेंगे तो ये बहुत छोटे नहीं पहनेंगे बहुत बारीक नहीं पहनेंगे क्योंकि इसमें भी तीन शेप्स आती हैं राइट और जो दरम्याने हैं वो बहुत छोटे वाले पहनेंगे आई समझ क्लिनलीनेस एंड हाइजीन की बात कर रहे हैं ठीक है उस वक़्त से हमारा बेसिकली फ़ोकस इसी चीज़ के ऊपर है आपने देखा है कि हमारा मजहब भी जो है इस चीज़ के बारे में कितना ज़्यादा वो करता है सफ़ाई नस्फ ईमान है ये इस इस चीज़ के बारे में तो हमारे मजहब ने हमें कह दिया है सोचें कितनी बड़ी बात कह दी है आधा ईमान तो आपका अपने मजहब पर है और बाकी का जो ईमान है ना आपका आधा वो आपकी सफ़ाई है सो so, मुझे लगता है कितनी देर लग जाती है आपको खुद की सफ़ाई करने के लिए खुद से मोहब्बत करना शुरू करें देखें आप किस तरह अपने आप को नहीं साफ़ सुथरा रखते स्वेटिंग का इशू है कोई मसला नहीं है नहाते हुए आखिरी जो आपने पानी का वो डालने अपने ऊपर उसके अंदर आपने ना एक चम्मच सोडा मिक्स कर देना है कुछ लोगों की स्वेटिंग में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है आप उसको किस तरह ख़त्म कर सकते हैं आपने आखिरी डोंगा जो डालना है अपने नहाते हुए उसके अंदर आपने वन टीस्पून भर के डाल देना है सोडा उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद बालों में मत डालिएगा जिसम की बात हो रही है दो तीन दफ़ा आपने ये रेमेडी करनी है तीसरी दफ़ा के बाद जो है ना आपके स्वेटिंग में ज़्यादा स्मेल नहीं आएगी ये उन लोगों की बात हो रही है जिनके लिए ये एक प्रॉब्लम है अभी नहा के निकले दो घंटे बाद आपको स्वेटिंग में से ये समटाइम्स मेडिकेशन की वजह से भी होती है नेचुरली भी होती है कुछ बच्चों की पैदाइश में भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती हैं कि ये ताहयात जिंदगी इसका बहुत ज़्यादा जो कनेक्शन है ना वो हमारे मैदे के साथ है हमारी स्किन का बहुत ज़्यादा जो कनेक्शन है वो हमारे मैदे के साथ है आप खाते क्या हैं आप पीते क्या हैं हमारी ज़िंदगी से पानी की बहुत कमी हो चुकी हुई है इस वक्त मुझे आपने बताना है वो कौन सा बच्चा है जो दिन में आठ ग्लास पानी पीता है आप, आप ज़रा खड़े हुए प्लीज़ आप जिन लोगों ने मुझे हाथ खड़ा किया है ना वो लोग ज़रा एक दफ़ा खड़े हों प्लीज़ 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 प्लीज, प्लीज, आप ज, जो लोग आठ ग्लास पानी नहीं पीते ना वो देखें उन लोगों के चेहरे माशाल्लाह माशाल्लाह जो आठ ग्लास पानी पीते हैं देखिये माशाल्लाह हर एक बच्चे के चेहरे पे एक अलग सा ग्लो है फातमा चमके मार रही है आज माशाल्लाह माशाल्लाह सारे बच्चों के चेहरे पे ना एक ग्लो है ये ग्लो पता है ये पानी पीने वालों का थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया तो ये देखो कमाल की बात है कि नहीं हमने सामने एग्जाम्पल दिखा दिया आपको आज के बाद सारे बच्चे अच्छा पानी पीने में दिक्कत होती है ना पर्स कैरी कर सकते हो लेकिन वाट, वाटर वाटर बॉटल कैरी करते हुए क्या होता है प्रॉब्लम है एक अच्छी सी वाटर बॉटल रखो होता क्या है वाटर बॉटल जब पास पड़ी होती है न, मैं ना मैं तो पता होता है पानी पीना है ना चाहते हुए भी गुस्सा भी आया तो पानी पी लिया हंसी भी आई तो पानी पी लिया पानी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है तो ये जो पानी है ना जो मैंने आपको बताया कि स्वेटिंग की जो इशू है बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ है जब आप जिन लोगों को पसीना नहीं आता पसीना आना बहुत अच्छी बात है बट अगेन उसका दिखावा अच्छी बात नहीं है तो जब आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है ज़ाहिर सी बात है अब जिन बच्चों को स्वेटिंग नहीं होती उनको कहते हैं पानी बहुत ज़्यादा पिए पानी ज़्यादा पीने से स्वेटिंग आपको ज़्यादा होती है जो पसीने में एक स्मेल होती है स्पेसिफ़िक जो कि एक प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों के साथ होती है समटाइम्स वो मैं पसीना आता है उसमें स्मेल ही नहीं होती लेकिन कुछ बच्चों में ये इशू होता है वो जब ज़्यादा पानी पीते हैं तो कुदरती तौर पे ये जो स्मेल है ना ये ख़त्म होना शुरू हो जाती है तो इतने फ़ायदे हैं इतने फ़ायदे हैं आपको मैंने बताया कि आपकी स्किन इट्स ऑल अबाउट वाटर आपके मैदे में कितना पानी जा रहा है आपकी स्किन वो है और जितनी आप ये तली हुई चीज़ों को दफ़ा करेंगे ना ये जो चेहरा ख़राब होता है ना ये फैटी लिवर की वजह से होता है ये हमारे सारे ऑर्गन्स का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है इसके बारे में पढ़ा करें और पढ़ना शुरू कर दें अभी से हर चीज़ के बारे में पढ़ा करें कितनी देर लगती है अब तो आदत ऐसी होगी कोई बात करता है फ़ौर गूगल खुल जाता है अगला बात करो तो हम गूगल खुल के पढ़ रहे होते हैं तो ये शौक़ नहीं है ये ज़रूरत है सो so, आपने वाटर इनटेक बहुत बढ़ाना है वाटर इनटेक से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से निजात मिलेगी फैटी लिवर आपका कंट्रोल होगा और आपने तली हुई चीज़ें नहीं खानी उससे स्वेटिंग में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और वो फैटी लिवर का बायस भी बनती है तो सारा कुछ क्या होता है अगर आपके ऑर्गन्स हेल्दी हैं तो आपकी स्किन अच्छी है अगर आपके ऑर्गन्स हेल्दी नहीं है ना तो फिर आपकी स्किन अच्छी नहीं फिर ला लो ती ब्रेंडेड इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स कर लो जो मर्जी देखो एक टाइम था जब लड़कियों को बड़ा ये चीज़ थी इंपॉर्टेंट कि जी अच्छे ब्रांड का मेकअप लगाऊंगी तो खूबसूरत लगूंगी अब का ट्रेंड पता है क्या है स्किन अच्छी होनी चाहिए तभी तो लेज़र के ट्रीटमेंट पर वहां चढ़ने कि नेचुरल ब्यूटी होनी चाहिए सो के भी उठे बंदा तो खूबसूरत लगे <laughs> सही है ना तो ये चीज़ें तो सफाई निसफ ईमान में ये सारी चीज़ें बहुत अहम है पानी पिएँ और पानी से मुँह धोएं कितनी देर लगती है स्कूल में आपको कोई फ्री टाइम तो मिलता है ना अपनी आदत बना लें दो क्लासेस ली फॉरन वॉशरूम गए हल्का सा छींटा मारा फेस पे ड्राई किया कोई भी क्रीम लगाई अपनी जो भी आप डे क्रीम यूज करते हैं लिपस्टिक फ्रेश की परफ्यूम लगाया चले गए दो के बाद नहीं जा सकते तीन पीरियड्स के बाद चले जाएं तीन के बाद नहीं जा सकते एक दफ़ा तो जाएं बीच में हैं एक दफ़ा ये मुझे तो कोई इसमें ज़रूरत ही नहीं कि मैं आप लोगों को इतना कहूँ प्लीज जाए प्लीज़ जाए क्योंकि ये आपने समझना है अपने अंदर आपके वो विल होनी चाहिए कि आपने एक कामयाब फ्यूचर गुजारना है और आपने फेवरेट टीचर बन के दिखाना है किसको शौक़ है फेवरेट टीचर बन के दिखाने का जबरदस्त हो गया जनाब जबरद को कोई शौक नहीं है जाओ सारे निकलो यार <laughs> बाकी सबको नहीं है वो कह रहे कि ठीक है हम ऐसे ही सही हैं बट नहीं कहीं ना कहीं दिल में ये विल होती है कि आप फेवरेट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने फेवरेट बने उसके बाद दूसरों की देखी जाएगी जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं ना किया कि मैं अपनी फेवरेट हूँ ऐसे ही बात है वेल ग्रूम्ड हेयर स्टाइल हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम सब बाल खुले छोड़कर स्कूल जाएंगे डेली तो ही हम खूबसूरत हैं ऐसा नहीं है ना हम जूड़ा भी कर सकते हैं हम बालों को पीछे टाई भी कर सकते हैं देखो कभी कभार बाल खुले अच्छे लगते हैं हर वक्त जुल्फ़े खोल खोल के लहराते फिरना है ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाता है बालों की ज़िंदगी भी ख़राब होती है बेहतर ये होता है कि उसको आप बांध लें उसकी अच्छी सी कोई पोनी बना लें कोई अच्छा सा जूड़ा बना लें अपने दोपट्टे को कैरी करें इस अंदाज़ में कि वो स्टाइल भी लगे और पर्दे का पर्दा भी लगे बाल जो है अगर छोटे हैं तो उसको इस तरह से फिर आपने नीट एंड क्लीन रखना है बड़े हैं तो फिर इस तरह से नीट एंड क्लीन रखना है नहीं तो अगर नहीं करना नहीं कर सकते सुबह सुबह उठ के ये फैशन नहीं हो सकता छड्डो फिर गोली मारो फिर जूड़ा बनाओ और पोनी करो ठीक है ना गुत्त नहीं मैं सजेस्ट करती क्योंकि जब आप गुत्त वगैरह बनाते हैं ना चोटी बनाते चोटी बोलते हैं ना उसको तो उससे तो थोड़ा सा आपका कैजुअल सा आ जाता है लगता है अम्मा ने तेल लगाया था अब चुटिया करके थोड़ी देर के लिए बाल छोड़ें उससे बड़ी कैजुअल सी फील आती है तो आपने कोशिश करना है इन हेयर स्टाइल्स को फॉलो करें अगर आपकी लेंथ इजाजत देती है तो राइट आपका मुझे हेयर स्टाइल बड़ा पसंद आया दुपट्टे के साथ जो आपने ये बड़ा सिमटे सिमटे बाल भी हैं और एक सिग्नेचर लुक है आपकी माशाल्लाह वेरी नाइस nice. अच्छा जी क्लीन एंड ट्रिम्ड फिंगर नेल्स खुदा का वास्ता है अगर तुम लोगों के पास नेल पॉलिश उतारने का टाइम नहीं ना होता तो लगाया भी ना करो कितना मैसी लगता है मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है नेल पॉलिश लगी होती है अब आधी उतरी हुई है आधी लगी हुई है इधर से कहीं से उतरी हुई है अब पता नहीं कौन कौन अपने हाथ मल रहे हैं मैं ये देख रही <laughs> सारे लोग अपने हाथ देख रहे हैं मल रहे हैं कि हाय पता नहीं मेरे हाथ सही है कि नहीं एनी वेज सो आपने कोशिश करना है कि जब लगाना है तो फिर आप तो क्या करें रात को सोने के लिए बेड पे जाते हैं साइड टेबल तो सबके पास होती है साइड टेबल के अंदर ना कुछ चीज़ें आपने प्लेस कर देनी है वेजलिन होनी चाहिए जो आपने पाँव पे लगानी है सोने से पहले देखो हाइजीन की चीज़ें हैं जो बता रही हूँ नेल पॉलिश रिमूवर होना चाहिए आपकी साइड टेबल पर अच्छा सा कोई सिरम होना चाहिए जो रात को सोते हुए या फिर नाइट क्रीम होनी चाहिए जो आपने अपने फेस पे लगानी है अपने ग्लो को बरकरार रखने के लिए मॉइस्चराइज को बरकरार रखने के लिए ये कुछ तीन चार चीज़ें हैं और एक पानी की बोतल एक पानी की बोतल आपकी साइड टेबल पे लाजमी होनी चाहिए जिसको आपने सुबह उठते साथ पीना है निहार मुँह पीना है तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको करने के बाद ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी जनाब अपने हाथों के जो नेल्स हैं ना इसके ऊपर बड़ा फ़ोकस करना चाहिए ज़रूरी नहीं है शेपी और लंबे होने चाहिए अगर छोटे हैं तो वेल ग्रूम्ड होने चाहिए और क्लीन होने चाहिए प्रॉपर ट्रिम होने चाहिए अब बात कर लेते हैं कलर्स की हम टिप्स की बात कर रहे थे कलर्स कौन से अच्छे कंजर्वेटिव कलर्स में ना ये आ जाते हैं डस्टी पीच डस्टी पिंक डस्टी ग्रे फॉन कलर ब्राउन कलर टी पिंक कलर ये सारे जो कलर्स हैं ना ये आपके कंजर्वेटिव कलर्स हैं इसको प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में आप कैरी कर सकते हैं अब आप लाल कलर की नेल पॉलिश लगा कर स्कूल आएंगे आपका कोई बच्चा होगा स्टूडेंट जो बड़ा लाइवली होगा उसको पसंद आ जाएगा लेकिन क्या पता है आपको उसी टाइम पे किसी सीनियर से मिलना है किसी कुलीग से मिलना है तो आपने डिस्ट्रैक्शन का बायस तो नहीं बनना ना सो so, आपने कंजर्वेटिव कलर जिससे आप नीट एंड क्लीन भी लगें और फैशनेबल भी लगें राइट right? तीत की बात हो रही थी अभी कासिम भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी कि दांतों को ना बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंस देनी चाहिए काफ़ी अर्षा तक मेरे साथ खुद ये प्रॉब्लम रही मुझे बचपन से ना मेरे तीत का बहुत ज़्यादा इशू था तो मैं अब ये होता है कि हर साल में एक दफ़ा मुझे अपने दांत क्लीन करवाने पड़ते हैं वो एक नीडल होती है जिससे वो क्लीन करते हैं अच्छा आपको पता है उसको क्लीन करवाने के बाद आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं कैसे नॉर्मली uh, ये होता है ना कि जब हमारे दांत ख़राब होना शुरू होते हैं ना उसके बाद फिर वो ख़राब होते 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 जड़ से ख़राब हो जाते हैं वो आपको निकालने पड़ते हैं तो जैसे मैंने कहा ना ख़ुद से मोहब्बत करें तो आपके पुर्जे भी ठीक रहेंगे ऑर्गन्स भी ठीक रहेंगे और आपकी ये चीज़ें भी ठीक रहेंगी तो आपने एक तो डेली बेसिस पर माउथ वॉश का इस्तेमाल लाजमी करना है ब्रश तो ऑब्वियसली करना है ना कोई उसका तो कुछ है ही नहीं एक टिप मैं आपको बताती हूँ बालों को बहुत अच्छा बरकरार रखने के लिए घर में सबके कावा बनता है चाय का कावा बनता है कि नहीं बनता आपने दिन के किसी भी टाइम पे ना महीने में एक दफ़ा कर लें दो महीने में एक दफ़ा कर लें कावे के अंदर थोड़ी सी डालनी है फटकरी फटकरी से सब लोग आशना होंगे अच्छा अब वो पानी आपने अलग कर लेना है यानी फटकरी और वो जो आपकी पत्ती है वो अपने साइड पे कर दी है पानी आपके हाथ में आ गया यू you नो know, कप में आ गया अब आपने एक उसका मुंह भरना है जिसका कूली करते हैं आपने उतनी देर तक अपने मुंह में कूली करनी है जब तक कि आपके जॉज ना थक जाएं और थकने जाएं एंड ऑफ पेन जो होती है ना ये वाली जगह आप बहुत देर तक हंसें जिनको हंसने की आदत नहीं होती उनके जॉज में पेन होती है थकावट होती है बहुत अच्छी एक्सरसाइज तो होती है बट बात हो रही थी दांतों की ये आपके दांतों के लिए बेहतरीन है ये आपकी जड़ों को मजबूत करता है इससे आपके दांतों का कलर चेंज नहीं होता इससे आपके दांतों में वो जो ब्राउन कलर की एक लेयर आती है वो नहीं आती ये आपके दांत में कीड़ा लगने नहीं देता तो ये आपने एक तो एक्सरसाइज तो पॉइंट ऑफ व्यू से आज जैसे मैंने बहुत बोला है मुझे लग रहा है आज मेरे जॉस में दर्द शुरू हो गई या मैंने जिक्र किया इसलिए शायद तो वो आपने एक लाजमी ये करना है महीने दो महीने में एक दफ़ा लाजमी कर लिया करें कोई बड़ी एक्सरसाइज नहीं है एक घूंट लेना है मुँह भरना है और बस आपने उसका जो है वो कर लेना है इस तरह आपके जो तीत हैं वो बड़े अच्छे रहेंगे और माउथ वॉश का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम होती है जो मुँह से बदबू आने की वो ख़त्म होती है एक और चीज़ बड़ी अच्छी करें छोटी इलायची मिलती है छोटी सी मिनी सी डब्बी में मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी बात शेयर करूं बल्कि मुझे याद आ गई है आई थिंक ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है लेकिन ठीक है कर लेते हैं मैंने एक आ, इंडियन मोटिवेशन स्पीकर को सुना मैं सुना उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने कहा हम हैंड कैरी अपना जो कैरी करते हैं हम नॉर्मली क्या करते हैं जो मैं करती थी हम उसी के अंदर अपना चार्जर उसी में दवाइयाँ उसी में अपना करियाना उसी में, में मेकअप सब कुछ उसमें डाल देते हैं वॉलेट में जिसमें कराना होता है उसी में हम नोट भी डाल देते हैं उन्होंने कहा यह भी एक चीज़ है एक बात है बड़ी इंपॉर्टेंट कि अपने बैग के अंदर दवाइयों को कभी लूज ना रखें क्योंकि जब आप अपनी दवाइयों को लूज रखते हैं तो क्या होता है कि आपके पैसे दवाइयों पर लगना शुरू हो जाते हैं आई समझ आपने लूज नहीं रखना आपने अलग से कोई बॉक्स बना लें अपना उसके अंदर आप जो है अपने मेडिसिन रखें और मेडिसन्स क्या होती है पेन किलर्स होती है हमारे पर्सेज में तो वो आपने कोशिश करना है कि वो अलग से किसी शॉपर में डाल के रोल करके रखें या कुछ हर चीज़ को प्रपोशनली रखना चाहिए अपने बैग के अंदर उससे यह होता है कि आपका जो बैग है अच्छा करियाने को कभी नोट के साथ ना रखें नोट की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है करियाने की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है तो बड़े लोगों ने इस बारे में मुझसे बहस भी की यह भी तो हो सकता है कि करियाने की वैल्यू रुपए वाली हो जाए <laughs> लेकिन मैंने कहा नहीं जो बात है वो बात है किसी ने सोच समझ के की, की, की है बड़ी एक्सपीरियंस के साथ की है तो मुझे उनकी ये बात बड़ी अट्रैक्टिव लगी कि चीज़ों को हमेशा प्रोपोर्शन के साथ रखें लूज मिक्स करके ना रखें फिर मैंने सोचा आज के बाद मैं अपने मेकअप का सामान अपने पैसों के साथ रखूँगी <laughs> क्या समझ में आई कि मेरे सारे पैसे मेरे मेकअप पे लगा करेंगे इट्स अ पार्ट ऑफ जोक, बट ये कि अच्छी बात होती है आप बड़े यू नो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं जब आप अपने बैग को इस तरीके से रखते हैं खैर जनाब मेकअप के कलर जो कंजर्वेटिव हैं वो मैं दिखाना चाह रही थी ये आप लोगों को समझ में आ रही है कि ये कौन से कलर्स हैं ये कंजर्वेटिव कलर्स हैं लिपस्टिक के कलर्स सो so, ये आप अपने प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं ये वो कलर्स हैं जो बच्चों को बड़े पसंद आएंगे इससे आपकी शख्सियत बड़ी लाइवली लगेगी क्योंकि अगर आपने ड्रेस कोई भी पहना हुआ है जैसा कि अभी हमने बात की लाइट कलर्स की उसमें अगर आप ये पिंक का शेड डस्टी पिंक अप्लाई करेंगे टी पिंक थोड़ा सा ब्राइटर तो उससे क्या होगा कि कंजर्वेटिव कलर्स में भी आपकी शख्सियत बड़ी लाइवली लगना शुरू हो जाएगी जनाब शूज़ की बात हो रही थी कासिम भाई भी कह रहे थे कि पंप शूज़ की तरफ आ जाना चाहिए पता है क्या होता है जितना जितना आप ओपन शूज़ पहनते हैं ना आपकी पर्सनालिटी उतनी कैजुअल होती चली जाती है पर्सनालिटी को कैजुअल नहीं करना घर के किसी बरामदे में तो फिर नहीं रहे ऑफिस आ रहे हैं काम करने के लिए आ रहे हैं आप नोट कीजिएगा जिस वक्त आप पम्प्स पहनेंगे ना आपकी शख्सियत टोटली डिफरेंट हो जाएगी आपको फ़ील करेगा आप फील करोगे दैट आई एम प्रोफेशनल आपकी चार ढाल आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी है ना ऐसे होता है ना जैसे ही आप पहनते फ्लैट्स और वो ओपन शूज़ तो आपको लगता है कि मैं तो अपने घर के कमरे में बैठी हुई हूँ लेकिन जैसे ही आप शूज़ चेंज करते हैं आपकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में तो वैसे ही बड़ा ज़रूरी है इसके दो तीन फ़ायदे एक तो आपका पाँव बचा रहता है आपकी एरिया जो हैं आपकी हील्स वो बहुत कवर्ड रहने की वजह से साफ़ सुथरी रहती हैं दूसरा प्रोफेशनल भी लगते हैं तो ये आपने कोशिश करनी है कि आप जो है ना कलर्स जो है वो कुछ डिफरेंट कलर्स में आपको बता देती हूँ ब्लैक ग्रे वाइट और ऑफ वाइट और ब्राउन कलर ये आपके कलर्स हैं शूज़ के इसके अलावा आपने कोई कलर्स नहीं पहने पता चले ब्लू सूट पहना है उसका ब्लू जूते रेड पहना हुआ तो रेड जूते इतनी ज़्यादा मैचिंग नहीं करनी चाहिए ख़ासतौर पर प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब कोई आपको कहते हैं ना एक दफा जब आप कमरे में दाखिल होते हैं नजरें उठती हैं आपको देखने के लिए ना चाहते हुए भी उठती हैं दो अंदाज से उठती हैं और आपको पता चल जाता है माशाल्लाह इतने हम जहीन हैं हमें पता चल जाता है किसी ने हमें तारीफ की नजर से देखा है या आज मैं कार्टून लग रही हूं है ना ऐसे ही होता है ना आपको अगले का पता चल जाता है उसके जेस्चर से कि उससे मुझे तारीफ की नज़र से देखा है मैं उसके लिए इंस्पिरेशन हूँ या फिर उसको मैं अजीब ऑकवर्ड एक मैसेज दे रही हूँ सो so, ये कोशिश करनी चाहिए कि प्रोफेशनल आप इन्वायरमेंट में हो तो एक प्रोफेशनल बिहेवियर के साथ चलो और राइट इमेज प्रोजेक्ट करने की कोशिश करो हर वक्त ये कोशिश करो क्योंकि कामयाब होना है ना ये आपकी डायरेक्शन है आपके टुवर्ड्स सक्सेस ये डायरेक्शन है परफ्यूम्स और ड्यूड्रेंट्स की बात हो रही है अच्छा ये तो वैसे मैंने इंटरनेट से उठा के लगा दी गुच्ची शालस ये सब जो है कोको चनैल बट ब्रांड इज़ नथिंग मेरा कहने का मतलब था आपको तो आजकल मार्केट में बड़ी अच्छी अच्छी बखूर भी अवेलेबल हैं बखूर का जो एक तरीका कार है वो बड़ा अच्छा है कि अगर आप अपने कमरे में जिस कमरे में अलमारी में आपके वो है आप अलमारी में भी उसको अगर कभी जलाकर साइड में रखें ना लेकिन नज़र रखनी है ये ना कपड़े ही जलते हो तो आपके सारे कपड़ों में ना उसकी खुशबू समा जाती है सो so, वो आपने कोशिश करना है कि अपने किसी भी तरीके से आप खुशबू का इस्तेमाल करें खुशबू का इस्तेमाल आपके लिए लाजमी है ठीक हो गया एक तो रोज़ तुम्हें नाना है तो दूजा तु परफ्यूम लानी है ये हाइजीन के दो बड़े मैसेजेस हैं ठीक है बाकी दांत साफ करने वो अच्छा मैंने आपको छोटी इलायची का बताया छोटी इलायची का ना एक छोटी सी डब्बी ना अपने पर्स में रखा करें आप थोड़ी देर बाद ना एक इलायची आप एक भी खा लेते हैं ना दिन में तो वो आपके मुंह को फ्रेश रखती है और आपके मुंह में स्मेल आने नहीं देती तो आपने ये कोशिश करना कि आप एक छोटी इलायची ना दिन में मुंह में डाल लिया करें बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपने दान साफ नहीं करने ठीक <laughs> है ना दान साफ करने के बाद की बात हो रही है एनी अच्छा जूलरी की बात करते हैं हमारे यहाँ लड़कियों में ना बहुत शौक़ पाया जाता है डैंगल्स हैवी हैवी और बड़े एयर पहनने का आप पहने लेकिन वो अपने सोशल इन्वामेंट्स के लिए रहने दें अपनी फैमिली गैदरिंग्स के लिए रहने दें खुदा का वास्ता है हमने कोई फ़ैशन शो नहीं करना होता स्कूल्स में हमें एक प्रोफेशनल इन्वामेंट क्रिएट करनी है ख़ुद भी उसमें रहना है और दूसरों को भी उसमें लेके आना है दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना है तो इस तरह की ज्वेलरी मैं आपको बताऊंगी जो आपने कैरी करनी है जो सिर्फ स्टड्स की सूरत में होगी पर्ल के टॉप्स हो जाएं डिफरेंट पर्ल्स के कलर्स लेके रख लें बट बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं तीन कलर्स लाइट ब्राउन वाइट और ब्लैक इसके अलावा ऑफ वाइट हो सकता है ग्रे हो सकता है दैट्स इट रेड कलर भी आपके लिए नहीं है तो पर्ल्स के चार पांच कलर्स हर मार्केट से इजीली अवेलेबल हैं और सस्ते भी बहुत होते हैं बड़े इकोनॉमिकली भी अच्छे हैं तो आप वो लेकर रखें आपने जब कोई ड्रेस पहना चाहे कंट्रास्ट करना पड़ जाए आपको तो आप पर्ल्स कैरी करें पर्ल्स की एक लड़ी कैरी कर लें वो भी आपके लिए बड़ी अच्छी रहेगी रिंग्स में देखें डिस्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो डिस्ट्रैक्शन में जैसे ही आप एक कोई बड़ी रिंग पहनते हैं ना तो एकदम उस पर नजर जाती है रिंग बड़ी डेलिकेट सी होनी चाहिए बड़ी पतली सी बड़ी स्टाइलिश होनी चाहिए इसी तरह गले में चेन या पर्ल्स की लड़ी होनी चाहिए इससे बढ़कर कुछ भी नहीं करना सिग्नेचर स्टाइल्स आइडियाज़ हैं कि अगर आपने अबाया भी कैरी की है तो खुदा का वास्ता है मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अबाया को ईजी मत लें मैं बहुत इस बारे में सीरियस हो रही हूँ कि खातन को मैंने देखा है मैं से ना कि अगर वो अबाया पहनना शुरू करती हैं तो वो ईज़ी हो जाती हैं उनको लगता है कि मैंने पर्दा कर लिया अब दस दस दिन तक उन्होंने अबाया वॉश नहीं करना और उसी अबाया को कैरी करना है वाई डोंट यू टेक अबाया एज़ अ ड्रेस जब आप कपड़े इतने नए बना सकती हैं तो आप अबायास भी स्टाइलिश बना सकती हैं डिफरेंट कलर्स के अबायास बना सकती हैं आप कम से कम चार छः अबायास बना लें जिसको आपने पहनने के बाद वॉश भी करना है और वो आपने एक स्टाइलिश तरीके से कैरी करना है ये क्या तरीका हुआ कि आपने नीचे के कपड़े भी चेंज नहीं किए और आपने ऊपर अबाया कैरी कर लिया कि मैं शादी सी हूँ और मैंने तो ऊपर अबाया ही लेना है कुछ बच्चियाँ हंस रही हैं उनको अंदाज़ा है क्योंकि ऐसा हो रहा है जो लोग अबाया पहनते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा इजी लेना शुरू कर देते हैं देखो अबाया जो है वो कितना एक महजब लबास है हम पर्दा तो करते हैं लेकिन सफ़ाई हमारा निसफ ईमान है तो अगर हम पर्दा ही कर रहे हैं और सफ़ाई हमारे है नहीं तो फिर कैसा अबाया ना पहनो फिर अबाया मेहरबानी करो फिर आम सूट में आ जाओ सर दो तो बट्टा ले लो ठीक है ना और ये भी नहीं है कि आपने अबाए से ही अपने आप को कवर करना है आप लॉन्ग शर्ट बना सकती हैं आप दुपट्टे को अच्छे डिसेंट तरीके से कैरी कर सकती हैं तो क्या होगा आप मॉडर्न भी रहेंगी आप ट्रेंडी भी रहेंगी और उस एट द सेम टाइम आपने अपने आप को अच्छे से कैरी किया होगा कवर किया होगा तो इस्लाम तो यही इसी चीज़ की इजाज़त देता है ना कि खुद को कवर करके चलें बट इट डजेंट मीन दैट कि आप अपने आप को मैसी और गंदा कर दें क्योंकि आपने बाया पहनना है सो so, आपने जो भी सिग्नेचर स्टाइल अपना अपनाना है ना उसकी कदर करनी है अपने आप से मोहब्बत करनी है ताकि लोग आपसे मोहब्बत करें और आप लोग आगे कामयाबी के साथ पहुंच सकें इनकी बात हो रही थी जुबैदा आपा दुनिया से जा चुकी हैं पर इनका स्टाइल एक स्टाइल है आप हिना रबानी को देख लें पॉलिटिकल व्यूज़ नहीं हम यहाँ पर छेड़ रहे हम किसके साथ एग्री करते हैं किसके साथ नहीं करते बट आप हमारी पॉलिटिकल लेडीज को देखें बेनज़ीर भुट्टो को देखें माय गॉड आपको आप देखें किस कदर मॉडर्न लग रही है क्यों क्योंकि उसकी पढ़ाई उसकी शख्सियत पे आ गई है और उसने उसको कैरी किया लिबास के साथ सर पे दुबट्टा है कोट पहना हुआ है लेकिन कितनी प्रोफेशनल अपेरेंट्स है आप मरियम नवाज़ को देखें मरियम नवाज अब आती हैं जब टीवी वी के ऊपर उनका दोपट्टा लेने का स्टाइल इतना डिसेंट होता है मैं बहुत उनको पसंद करती हूँ उनकी पर्सनालिटी की वजह से पॉलिटिकल मैं इतनी हूँ नहीं ना ही मुझे उसके बारे में कुछ लोग नहीं पसंद करते कि क्यों इनकी पिक्चर लगाते हैं आप ये वो बट आप उसको जस्ट एज एक शख्सियत ले लें हिना रबानी पॉलिटिकल पर्सनालिटी हिना रबानी बहुत अच्छे कपड़े कैरी करती है एक तो वो बिल्कुल प्लेन होते हैं हालांकि शी इज़ टॉल शी कैन डिस्ट्रीब्यूटेड बट नहीं वो सर से लेके पांव पाँव तक एक कलर में होती है उनके शूज़ देखें उनका हेयर स्टाइल देखें इसमें इतना क्लेर नहीं है उन्होंने टॉप्स में भी जो है पर्ल्स पहने हुए हैं मुसरत आपा को देख लें ये लेडीज़ हमारी फातमा जिना को देख लें मैं कहती हूँ आपके पास देर इज़ अ बंडल ऑफ वुमेन हमारे यहाँ ख़वान काम कर रही हैं आप देखें बैंक्स में जाती हूँ मैं हैरान हो जाती हूँ इतने इतने बाल खुले छोड़ कर बैठी होती हैं खातन फुल मेकअप में बैठी होती हैं जैसे रोज़ पार्टी कर रही हैं कोई इतना अच्छा नहीं लगता मेरी तरह नहीं कि सिर्फ मेरा काम है तो मेरे जेहन में आता है वहाँ पे जितने लोग आते हैं वो उनको उसी तरीके से सोचते होंगे कि इतना मेकअप क्यों किया हुआ है तो कोशिश करें स्किन अच्छी हो आपकी कोशिश करें बॉडी अच्छी हो आपकी लबास अच्छा हो हाइजीन का ख्याल करें और मुझे उम्मीद है आपको जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी लगी होगी और आप थैंक यू सो मच